अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सेशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट सेशन है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने इसमें जो हमारा टॉपिक एक चल रहा है जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सीमोस आईसीज है, इसका ये थर्ड सेशन है और इस टॉपिक को हमने आज कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली वो स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो हमने स्टडी करना है। तो आज हमारा ये लास्ट सेशन है फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करने का। इस सेशन में हमने अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं वो ये है कि लाइक वी हैव अंडरस्टूड कि एनमोस क्या होता है और पीमोस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसको हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पीमोस बनाना हो तो हमारे पास ये पी सबस्ट्रेट होता है और उसमें हम सॉरी अगर हमने एन मोस बनाना हो तो हमारे पास ये एन प्लस रीजन है और हमारे पास एक ये वाला एन प्लस रीजन है। तो इस तरह से हम दो एन रीजन्स को कंबाइन करके हम ये एक लाइक एन मोस जो है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमने इसका रिवर्स करना हो तो हमारे पास ये पी प्लस रीजन और पी प्लस रीजन क्रिएट करते हैं, ये वाला हमारा पी सबस्ट्रेट होता है और यहाँ पे हम एक एन वेल क्रिएट करके हमारा एक पी मोस जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली लास्ट सेशंस में स्टडी किया था। लाइक नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दीज आर कम्बाइंड, ठीक है। हमने इसको बेसिकली अब ये स्टडी करना है कि ये दोनों कम्बाइंड कैसे हो सकते हैं और इसको लाइक जो आपके एन मोस और पी मोस हैं इन दोनों को आप कंबाइन एक ही प्रोसेस में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए ऑब्वियसली एक वेफर जो है वो यूज किया जाता है जो कि हम फैब्रिकेशन प्रोसेस में देखेंगे कि वो वेफर क्या होता है और उसको हम कैसे लाइक फैब्रिकेट करते हैं एक सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। सो एट दिस मोमेंट वी आर नॉट कंसिडरिंग के हमारे पास फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या है और उसको हमने किस तरह से फैब्रिकेट करना है, किस तरह से दोनों को कंबाइन करना है। हम सिर्फ एंड रिजल्ट को अभी देखेंगे कि एंड रिजल्ट हमारा कैसा होता है और उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले एन मोस को कंसिडर करें। उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक एन वेल प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, मतलब एन वेल प्रोसेस क्या होता है और उसको क्यों यूज किया जाता है। फॉर लाइक पी मोस, अगर हम इस रीजन को देखें, ये वाला जो हमारा रीजन है, अगर हम इस रीजन को सिर्फ देखें तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास ये पी सब स्ट्रेट जो था ये अवेलेबल था। हमने उसमें डोपिंग की और उसमें एक एनवल रीजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये जो सारा रीजन है ये एक एनवल रीजन हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अ बेस, लाइक यू कैन से दिस एन वेल इज बेस फॉर ऑल पी मोस ट्रांजिस्टर्स, लाइक वी हैव वन पी मोस हेयर एंड दी अदर पी मोस हेयर। सो ये जो बेस है फॉर ऑल पी मोस ट्रांजिस्टर्स है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो पी सबस्ट्रेट है ये बेसिकली बेस है फॉर ऑल ट्रांजिस्टर्स, लाइक आपके जितने भी ट्रांजिस्टर्स होंगे वो इस एन लाइक एन मोस हो या पी मोस हो, ये दोनों के दोनों जो है वो इस सबस्ट्रेट से ही बनाए जाते हैं। एंड वी सी हेयर कि एनमोस जो है उसको डायरेक्टली फेब्रिकेट किया जा सकता है इन टू पी टाइप सबस्ट्रेट। लाइक अगर आपने एनमोस बनाना हो तो आपको किसी एन वेल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप एन प्लस डोपिंग करेंगे और यहाँ पे भी एन प्लस डोपिंग करेंगे तो आपके पास एक पी टाइप मटीरियल सॉरी आपके पास एक एनमोस जो है वो जनरेट हो सकता है, फेब्रिकेट हो सकता है। सो फॉर पी मोस वी हैव टू एड लाइक एनवल रीजन, वी हैव टू अकोमोडेट एनवल रीजन ताकि हम इसका जो जंक्शन है उसको लाइक पी एन और पी जंक्शन बना सकें और करंट फ्लो को ब्लॉक किया जा सके। सो जो भी लेयर्स हैं यहाँ पे, जितनी भी लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पी मोस हेयर, वी हैव एन वेल, वी हैव पी प्लस लाइक पी प्लस और एन प्लस रीजन्स और वी हैव दिस आइसोलेशन जो कि SiO2 लेयर है और देन वी हैव गेट हेयर। ये सारी की सारी रीजन जो हैं वो एक ही लेवल पे है, लाइक उसका ज्योमेट्रिक लेवल जो है ना वो सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एन प्लस रीजन देखेंगे इस डायग्राम में तो ये एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं, एन प्लस और बी प्लस दोनों गेट्स जो हैं वो सारे एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका जो ज्योमेट्रिक लेवल होता है वो सेम होगा।
और हम इस डायग्राम में अगर हम लेयर्स देखना चाहें तो अभी हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी सबसेट है जो कि यहाँ पे है, वी हैव एन वन वेल रीजन यहाँ पे है, आपका एन प्लस रीजन जो है वो यहाँ पे है, देन वी हैव पी प्लस वो यहाँ पे आपके पास है, गेट ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे है, सॉरी गेट ऑक्साइड ये नहीं है, गेट ऑक्साइड जो है वो बेसिकली ये रीजन है, और आपका गेट जो है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे लेयर्स जो है वो अवेलेबल है इस ड्राइंग में। देन वी हैव लाइक फील्ड ऑक्साइड, ये जो फील्ड ऑक्साइड है ये वाला रीजन, इसका काम क्या है? देखिए फील्ड ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे भी क्रिएट किए गए हैं, ये वाला और ये वाला भी। अब इसका पर्पज ये है कि ये दो ट्रांजिस्टर्स को आपस में आइसोलेट कर रहा है, ठीक है। लाइक ये पी प्लस रीजन और ये भी पी प्लस रीजन है, ये इन दोनों को आपस में आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी पी प्लस और एन प्लस के बीच में आइसोलेशन है। इट मीन्स ये दो आपके जो मॉसफेट्स हैं उनको सेपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक एन मॉस था तो यहाँ पे मुझे एक आइसोलेशन ऐड की ताकि ये एन प्लस रीजन जो है इन इस एस एन प्लस रीजन के साथ कंबाइन ना हो सके, ठीक है। लेकिन देर आर केसेस जो अभी हम देखते हैं कि हमने इनको कंबाइन करना होता है, हमें फिर ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पे हमें फॉक्स जो है फील्ड ऑक्साइड जो है वो हमने ऐड नहीं करना, जैसे ये फॉक्स यहाँ पे ऐड था इसको हमने यहाँ पे बेसिकली ऐड नहीं करना। वो किस केस में होता है? जब हमने दो ट्रांजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना हो, जब सीरीज में कनेक्ट करना हो तो हमें बेसिकली ये कनेक्शन को शॉर्ट करना होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सो अभी हम ये देखते हैं कि इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। वी आर कंसीडरिंग अ टॉप व्यू वेयर हमने पैटर्न ऑफ लेयर्स जो है वो हमने शो की हुई है, जैसे हमारे पास एन प्लस दो एन प्लस रीजन है, यहाँ पे भी दो एन प्लस रीजन है, ये पी प्लस है, ये पी प्लस है, ये पी प्लस है, ये पी प्लस है, ये वही डायग्राम का टॉप व्यू है जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है, ये उसी का टॉप व्यू है, ठीक है। इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आपको मॉसफेट्स जो है वो शो होंगे, और यहाँ पे आप देखें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, हमारे पास तीन फॉक्स थे, ठीक है, जो फील्ड ऑक्साइड थे वो हमारे पास तीन थे, इसलिए ये आपस में सेपरेटेड हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है अनलेस के हम इसको कनेक्ट करवा लें, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि इसमें फील्ड ऑक्साइड जो है वो हमने ऐड किया हुआ है। सो इंटरकनेक्ट क्या है और हम ट्रांजिस्टर्स को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? वंस द ट्रांजिस्टर लेयर्स आर डिफाइंड, कंडक्टिव लेयर्स आर एडेड सेपरेटेड बाय ग्लास फ्रॉम ईच अदर। लाइक हमने मेटल्स ऐड करनी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मेटल वन, मेटल टू, मेटल थ्री एंड अप टू आजकल जो मेटल चल रही है तकरीबन 18 लेयर्स तक मेटल जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइक आपके पास डिफरेंट मेटल्स होती हैं, सो ऑब्वियसली आप डिफरेंट लेयर्स पे क्यों जाते हैं? ताकि आप अपनी वायरिंग, अगर कॉम्प्लेक्स वायरिंग है तो आप उसको ऑपरेट करवा सकें, लाइक उसको आप राउट करवा सकें। सो वी हैव दिस फिगर हेयर के यहाँ पे हमारे पास दो एन प्लस रीजन्स हैं, ठीक है, सॉरी दो एन मॉस हैं, एक एन मॉस हमारा ये है और एक इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास दो एन मॉस हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में विद टू मेटल लेयर्स। तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी मेटल्स होती हैं वो दो डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं, लाइक मेटल वन आपकी यहाँ पे आएगी और मेटल टू यहाँ कहीं पे आएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास मेटल टू आ गई। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे लाइक ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि इसका जो कलर है ये दोनों का डिफरेंट है। जब भी आप मेटल यूज करेंगे, कोई भी मेटल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मेटल वन यूज करता है, मेटल टू यूज करता है, तो उनका कलर जो है वो डिफरेंट होगा। सेम कलर मींस वो सेम लेयर पे हैं और सेम लाइक वो एक दूसरे के साथ अगर क्रॉस ओवर करती हैं तो वो कनेक्ट हो जाएंगी। इस केस में अब हमने क्या करना है कि ये दो मेटल्स हमने यहाँ पे कनेक्ट लाइक राउट की हुई है, और इसके बाद आपको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी मेटल्स आप यहाँ पे प्लेस करते हैं उसके बाद आपको उसको आइसोलेट करना पड़ता है। लाइक हमने ये आइसोलेशन जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है जो कि SiO2 मटेरियल होगा। अब इसका पर्पज ये है कि ये इन दो मेटल्स को आपस में कम्युनिकेट नहीं करने देता, इनको आइसोलेट करता है और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
इसकी पेरिस्टिक रेजिस्टेंस होगी, पेरिस्टिक कैपेसिटेंस होगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस में ये इग्नोर नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना है कि हमने अगर कनेक्शन करना हो ऑफ दिस एन मोस टू सम एक्सटर्नल वर्ल्ड, लाइक हमने इसको बाहर कनेक्ट करना हो यहां कहीं किसी और सर्किट के साथ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और एन मोस है, मैंने इसको यहां पे कनेक्ट करना है, तो मैं फिर कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे इस इंसुलेशन जो है इसमें ड्रिल्स करके या होल्स करके इसमें मेटल डालनी पड़ती है, लाइक उसको हम कहते हैं कि उसमें वायर्स क्रिएट करता है या कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है। तो जब वो कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है तो इसका कनेक्शन जो है वो इस मेटल से हो जाता है, और इसका कनेक्शन जो है वो इस लाइक मेटल वन का मेटल टू से हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस मेटल टू को एक्सेस करके इसके साथ कनेक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली होती क्या चीज है और किस तरह से हम ये किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाया इज लाइक फर्स्ट कॉन्टेक्ट इज, इसका नाम है एक्टिव कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये मेटल वाला कॉन्टेक्ट होता है, ये जो यहाँ पे ब्लैक प्लेस है ना, ये मेटल होती है। अब इसका पर्पज ये है, इसका नाम एक्टिव कॉन्टेक्ट है, इसका पर्पज ये है कि ये एक्टिव लेयर को मेटल वन से कनेक्ट करता है। एक्टिव लेयर आपके पास कौन कौन सी होती है? एक्टिव लेयर इज एन प्लस या फिर आपका पी प्लस, ये दोनों आपकी एक्टिव लेयर्स होती हैं। इसको आप कनेक्ट करते हैं इसके साथ, लाइक अभी मेटल वन जो है वो इसके साथ कनेक्ट होगी है एन प्लस रीजन के साथ थ्रू लाइक दिस कॉन्टेक्ट, जो कि ये एक्टिव कॉन्टेक्ट है। सेकेंडली हमने इस मेटल को इसके साथ कनेक्ट करना, मेटल वन को मेटल टू से कनेक्ट करना है, उसके लिए एक और वाया क्रिएट किया जाता है, एक और होल क्रिएट किया जाता है, उसमें मेटल फिल की जाती है, इसे कहते हैं वाया वन, ठीक है, इसका नाम है वाया वन। अब हमारे पास दो तरह के वायाज हैं, एक का नाम एक्टिव कॉन्टेक्ट है, दूसरे का नाम वाया वन है। वाया वन मीन्स इट कनेक्ट्स मेटल वन टू, इट कनेक्ट्स मेटल वन टू मेटल लाइक मेटल टू, ठीक है, वाया वन मेटल वन और मेटल टू को आपस में कनेक्ट करता है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इन मेटल के आपस में कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एज मेंशन अर्लियर कि एक्टिव कॉन्टेक्ट्स एंड वायर्स आर एडेड बाय क्रिएटिंग होल्स इन ऑक्साइड लेयर्स। जब हमने ये वाले वायर्स क्रिएट करने होंगे तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे एक होल क्रिएट करते हैं और उसमें बेसिकली हम मेटल्स क्रिएट कर देते हैं, मेटल प्लेस करते हैं ताकि ये मेटल दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको लाइक इसको आप कर सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसको हम डिफरेंट सर्किट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई गिवन सर्किट है, अगर आप इसको देखें तो अगर इस सर्किट को देखें तो आपके पास ये जो सर्किट है ये किसी एनमोस का सर्किट है। अब ये एनमोस कैसे पता चल रहा है कि यहां पे आपके पास ये जो रीजन है ये एन प्लस हो सकता है या पी प्लस हो सकता है, लेकिन इसके अराउंड यहां पे कोई एनवल रीजन नहीं है। जब एनवल रीजन नहीं है तो इट मींस दिस इज एन एन मोस नॉट एन पी मोस। अगर पी मोस होगा तो इसके अराउंड एनवल रीजन भी होगा। अब यहां पे देखें कि हमने डिफरेंट कॉन्टेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से कॉन्टेक्ट आपके पास होते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्ट आपके पास गेट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये अगर एनमोस था तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये एनमोस है हमारे पास, ये उसका गेट है, ये उसका आप ड्रेन कर लें और ये उसका आप सोर्स कर लें, ठीक है। हमारे पास ये तीन रीजन्स हैं, ये आपके पास एन प्लस रीजन है और ये आपके पास एन प्लस रीजन है, ठीक है। अब पहला हमारा गेट कॉन्टेक्ट है, गेट कॉन्टेक्ट का पर्पज यह है कि इस गेट को कनेक्ट करेगा किसी और सर्किटरी के साथ, ठीक है। इसको ब्लैक बॉक्स कर देता हूं, ये गेट कनेक्ट करेगा किसी और सर्किटरी के साथ, ठीक है। और ये वाला जो होगा मटेरियल ये आपका मेटल वन होना चाहिए। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको ये कॉन्टेक्ट चाहिए जो कि मेटल वन को कनेक्ट कर देगा इस गेट के साथ, ठीक है। लाइक पॉलीसिलिकॉन टू मेटल वन, आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास जो दूसरा कॉन्टेक्ट है वो हमने भी देखा है कि जो एक्टिव कॉन्टेक्ट होता है, एक्टिव कॉन्टेक्ट का पर्पज ये है कि ये आपके एस रीजन जो हैं, ये एस और डी रीजन जो हैं, इनको कनेक्ट करता है लाइक टू सम एक्सटर्नल सोर्स,
ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट करना हो किसी ब्लैक बॉक्स से, तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे एक एक्टिव कॉन्टैक्ट लगाएंगे, और यहाँ पे भी आपको एक एक्टिव कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा। अगर डायग्राम में देखें तो आपके एक्टिव कॉन्टैक्ट ये प्लेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव कॉन्टैक्ट प्लेस किए गए हैं, इसकी रीजन जो है हम बाद में देखेंगे कि इसका फायदा क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं मल्टीपल्स। देन वी हैव वायर्स जो कि कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं मेटल वन को मेटल टू से, जो कि यहाँ पे हमने एक ये क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ये मेटल वन को मेटल टू से कनेक्ट कर रहा है जो कि वाया वन है, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है। ऑल मेटल लेयर्स आर आइसोलेटेड, जो कि हमने पहले बात की कि जितनी भी लेयर्स होती हैं वो आइसोलेट होती हैं, एक्सपेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू अदर लेयर्स, लाइक सिर्फ उस जगह पे हम इसे कनेक्ट नहीं करते जहां पे हमने इसे एक डिफरेंट मेटल लेयर के साथ कनेक्ट करना होता है, अदरवाइज ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है, सॉरी आइसोलेट होती हैं। अच्छा, अब हमने इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमने स्विचिंग नेटवर्क जो है वो कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, हमने अभी ये देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीमोस सर्किट है जो कि एन मोस सर्किट है, यहां पे अगर आप देखें तो ये एक आपके पास एन प्लस रीजन है, ये एन प्लस रीजन है और ये एन प्लस रीजन है, ये आपका गेट है और ये आपका गेट है, दो आपके पास गेट्स है, तीन आपके पास एन प्लस रीजन है, ये कंबाइंड है, ठीक है, यहां पे हमने कोई आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं की हुई। अगर इसका सर्किट मैं बनाना चाहूं तो ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि मेरे पास ये पी सबस्ट्रेट, सॉरी ये मेरे पास एन प्लस रीजन और एक गेट मेरा यहां पे आ गया, एक गेट मेरा यहां पे आ गया, ठीक है, ये मेरा गेट रीजन, ये मेरा गेट रीजन, इसको मैं अगर शेड कर दूं तो ये मेरा गेट हो गया, सिमिलरली ये भी एक गेट रीजन हो गया, ये एन प्लस रीजन है, ये एन प्लस रीजन एंड थर्ड एन प्लस रीजन इज हेयर, ठीक है, हम इस सर्किट को, ये जो हमें यहां पे गिवन है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये सर्किट ऐसा बनेगा, यहां पे गेट, दूसरा गेट, देन वी हैव थ्री लाइक वन टू एंड थ्री एन प्लस रीजन। अब अगर यहां पे देखें तो आपके पास ये एक एन मोस बनता है और ये आपका दूसरा एन मोस बनता है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका एक पॉइंट जो है वो तो कॉमन होता है, हम उसको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, हमें उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हमें उसमें आइसोलेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपका साइड व्यू ऐसा नजर आएगा, यहां पे आप देखें यहां पे हमारे पास कोई फील्ड ऑक्साइड नहीं है, हमने इसको सेपरेट नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि इसका जो पोर्शन है ये वाला ये कंबाइन हो जाए। अब इसका एक फायदा और क्या होता है, ये कंबाइन करने का फायदा ये होता है कि आपका एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखें यहां पे एरिया कैसे रिड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंबाइन ना करता मुझे क्या करना पड़ता, अगर मैं इसको कंबाइन ना करता तो फिर मुझे बेसिकली ऐसे एक सर्किट बनाना पड़ता जो कि ये होता, मेरे पास एन प्लस रीजन, सॉरी एन प्लस then we have another n plus and n plus, मुझे यहां पे एक एक्टिव कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ता, मुझे यहां पे एक एक्टिव कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ता, फिर यहां पे मुझे एक मेटल लगा के, मुझे एक मेटल लगा के इसको बेसिकली आपस में दोनों को कनेक्ट करना पड़ता, तो फिर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते। अगर आप इसको देखें और इस डायग्राम को देखें, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो एरिया है वो बेसिकली काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप जहां पे भी इनको कंबाइन कर सकते हैं आपको करना चाहिए, और उसको ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए कि वो आप लाइक अपना सर्किट जो है उसका एरिया बढ़ा दें। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वी हैव थ्री सीरीज कनेक्टेड एनमोस, यहां पे आप देखें हमारे पास तीन एनमोस हैं, लाइक वी हैव वन एंड वी हैव वन एंड सॉरी वन एंड टू कॉमन एंड टू एंड थ्री कॉमन एंड वी हैव थर्ड एनमोस, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का कॉमन है, लाइक ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, तो इनके ये कॉमन पॉइंट्स हैं, वन और टू का कॉमन ये है और टू और थ्री का कॉमन पॉइंट ये है। अब ये तो आप देख चुके हैं कि इसको हम कॉमन क्यों रखते हैं, इसका फायदा क्या होता है। देन वी हैव टू प्रोवाइड दीज टू कनेक्शन एक्स एंड वाई, जब हमने x और y को कनेक्ट करना होगा या हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करना होंगे तो हमें बेसिकली क्या करना है,
यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट ऐड कर लें, तीन कॉन्टेक्ट ऐड करें और यहाँ पे हम एक मेटल लेयर लगा लें। इसी तरह यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड कर लें और हम यहाँ पे मेटल लेयर लगा लें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स और वाई को, ये जो एक्स और वाई है इनके कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। इस साइड पे एक्स हो जाएगा, इस साइड पे वाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये वो ही कनेक्शन है जो जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपका ये एक्स है और ये आपका वाई है। इसको एक और काम ये भी हो सकता है कि इसको अगर आप स्वैप करना चाहें, यहाँ पे आप वाई करना चाहें और यहाँ पे आप एक्स करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आपने आपका सर्किट जो है सिमेट्रिकल है, उसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। सो आज की डिस्कशन सिर्फ इतनी ही है। अब आपने ये करना है कि आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यू हैव टू डिजाइन अ नॉट गेट, फिजिकल लेआउट ऑफ अ नॉट गेट। ठीक है, अब आपने इसको देखना है कि इसमें सीरीज कनेक्शन हैं या पैरेलल कनेक्शन हैं, इसको आपने कैसे कनेक्ट करना है, इसका वीडीडी कहाँ पे आएगा, इसका ग्राउंड कहाँ पे आएगा, इसकी इनपुट्स क्या हैं, इसकी आउटपुट्स क्या हैं, और उसको आपने कैसे है आउटपुट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करवाना है। ठीक है, अब आपका डिसीजन है कि आप इसको कैसे बनाएंगे। यू हैव टू फॉलो सिंपल रूल्स जो भी हमने देखे हैं कि उसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सोच लें कि उसको कैसे किया जा सकता है, वो एज सच बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, होपफुली आपसे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।